अगर आपका मोबाइल पानी में गिर जाए तो आपको क्या करना चाहिए और जो पक्षी होते हैं क्या उनके दांत होते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाला हूं। तो शुरू करते हैं फैक्ट नंबर 5 जो कि है आपके लिए एक क्वेश्चन। तो आपको कमेंट्स में बताना है जो सबसे ऊंचा वाटरफॉल है मतलब झरना है वो कौन सा है। सो अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 4 जो कि है कि अगर आपका जो मोबाइल है वो कभी पानी में गिर जाता है तो उसको आपको स्विच ऑफ करके चावल के डब्बे में डाल देना चाहिए, मतलब खाली डब्बा नहीं भरा हुआ डब्बा। तो उससे क्या होगा, जो चावल है वो आपके मोबाइल का सारा पानी सोख लेगा और 10-15 मिनट बाद ही आपका मोबाइल बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सही से काम करने लगेगा। वैसे कुछ दिन पहले मेरे मोबाइल में भी पानी घुस गया था। फैक्ट नंबर 3, इंडियन ओशन जिसे हम हिंद महासागर कहते हैं, तो क्या आपको पता है कि उसके बीच में एक वाटरफॉल है? जी हाँ, उसके बीच में झरना है, मतलब समुंदर के बीच में झरना। ये देखने में बहुत ही कमाल लगता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। फैक्ट नंबर 2, जापान की जो ट्रेन्स होती हैं वो इतनी एडवांस होती हैं कि जापान में ज़्यादा से ज़्यादा कोई ट्रेन अगर लेट होती है तो वो सिर्फ 18 सेकेंड, जी हाँ सिर्फ 18 सेकेंड ही मैक्सिमम जापान की ट्रेन्स लेट होती हैं। और हमारे इंडिया में तो भाई 2-3 घंटे तक तो आराम से लेट हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। फैक्ट नंबर 1, क्या पक्षियों के दांत होते हैं? तो जो इसका आंसर है वो है नहीं। तो फिर वो खाना कैसे चबाते हैं, मतलब जो भी वो खाते हैं तो उनके पेट में डाइजेस्ट कैसे होता है? तो जो पक्षी होते हैं वे अपने खाने को सीधा निगल लेते हैं और उसके बाद उनके पेट में एक गिजार्ड नाम की मसल होती है जो कि खाने को ग्राइंड कर देती है, जिससे वो खाना अपना डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे पक्षी अपना खाना डाइजेस्ट करते हैं। सो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको हमारे सारे फैक्ट्स पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर से कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे आपसे एक और नए और कमाल के वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।